सर, ये माउंटेन्स पे इतनी ठंड क्यों होती है? माउंटेन्स पे ठंड? बेटा एक घर बना होता है जो पूरा शीशे का होता है, ठीक है ना? और ऐसा शीशा नहीं जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वह शीशा जिसमें सनलाइट आर पार चली जाती है, जो खिड़की उड़की पर लगता है ना? वो फिल्म देखे होगे, रमैया अवस्था भी है उसी, जो वो घर रहता है उसको कहते हैं ग्रीन हाउस। खासियत क्या होती है उसकी कि वो शीशे का होता है, लाइट उसके अंदर आती है, हीट जो रहती है ना उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, मतलब फंस जाती है, निकल नहीं पाती है, और लाइट फिर उस तरफ से निकल जाती है, उससे अंदर जो रहता है ना वो गर्मी बनी रहती है। तो कुछ गैसेस भी होती है ना वो ग्रीन हाउस की तरह ही काम करती हैं, कुछ ऐसी गैसेस भी होती हैं जो ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं, उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है? जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये क्या करती हैं, उसको ना एक लेयर बना देते हैं एयर का, गैसेस के एक लेयर बना देते हैं जिससे ना वो लाइट और वो हीट उसमें घूमती रह जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए वो गर्म होने लगता है वहाँ का टेम्परेचर, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, क्लियर? तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ये थोड़े से भारी होते हैं नेचर में, तो ये कहाँ रहते हैं, ये सरफेस के पास रहते हैं, अर्थ सरफेस के पास, मतलब जहाँ हम रहते हैं उधर आसपास रहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एयर का जो है क्या कहते हैं क्वांटिटी कम हो जाती है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर या बाकी सब लेके जाना, मान लो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं हम आराम से सांस ले पा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना? तो ये गैसेज हैं, तो आपने देखा होगा गैसेज के बीच थोड़ी सी दूरी होती है, फिर दूरी होगी ना उनके एटम्स के बीच, सॉलिड तो है नहीं चिपके चिपके रहेंगे, दूरी है। तो ये क्या करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, आपस में टकराते रहे, ठीक, क्लियर? इतना जब दो आदमी टकराएंगे ना तो गर्मी भी प्रोड्यूस होगी, क्लियर हो रही है बात? बेटा आ रहा पीछे, तो दो जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो हीट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक? तो अब क्या, हीट नीचे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऊपर कम एटम्स हैं, पहाड़ पे कम एटम्स हैं, वहाँ पे कम गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने सबका आंसर आपको मिल गया, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ऊपर से ग्रीन हाउस गैसेस भी ज़्यादा हैं इस लेयर में, इसलिए हमें यहाँ ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है पहाड़ों की तुलना में, पहाड़ों पे कम मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए कम टकराते हैं और कम गर्मी प्रोड्यूस होती है, ठीक? बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, जहाँ चार लोग रहेंगे वहाँ झगड़ा होगा, अकेले बैठे रहोगे कुछ नहीं करोगे, चुपचाप यूट्यूब चलाओगे, है ना, चुपचाप पिक्चर देखोगे आयरन मैन का, बात खत्म हो जाएगा। समझ आया ना? तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना।